रहा है। हैप्पी बर्थडे टू धन्यवाद करना होगा अपने साथियों का, अपनी धर्म पत्नी का जिन्होंने इतना अच्छा प्लान किया, मेरा बर्थडे बनाया, सेलिब्रेट किया। तो दिल की गहराइयों से मैं जुन्नू भैया ने प्लेट्स भी लगा दी हैं, केक भी खेल के, और ये सागर महाराज सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सारे बलून्स मैंने फुलाए थे। बहुत बढ़िया भाई। जुन्नू भैया ने डेकोरेशन की, प्लेट्स भी लगा दी और तो और केक खुद लेके बैठ गए, और ये तो सबसे छोटा है और ये सिर्फ गल्ला लगा दुआ, कोई काम नहीं करता। माची साथ में आती है आजकल। चल चल, तो यहाँ पे चल रहा है विक्स के बर्थडे, मतलब केक सेरेमनी बाकी थी, बाकी बर्थडे तो हो ही चुका है, और जुन्नू भैया का वेट कर रहे थे हम स्पेशली। पता है आपको जुन्नू भैया ये बात? नहीं। हम आपका वेट कर रहे थे, वो पूछ लो सागर से, बात बिल्कुल सच है। कर रहे थे भाई जी, वेट कर रहे थे आपको कि आप घर से आओगे तभी करेंगे सेलिब्रेट, क्योंकि अपनी बारी में तो आप पहुंच दे रही हो, तो चल किसी और की बारी में पहुंच जाए। अब ये खाने लग गया, क्या खाने लग रहा? ये जितने भी बैलून्स है इसमें से सिर्फ एक मैंने फुलाया है, एक दो जुन्नू भैया ने। ओ भाई, पहले जूठा कर दिया केक इन्होंने। चिप्स मतलब चॉकलेट चिप्स खाई इन्होंने। इसको क्लोज कर दो, तो ये वाला, ये जो साथ में रखा आपने, इसको बंद कर दो। किसको? इसको, जो साथ में तृप्ति का ये वो सो, और ये सारी मेहनत सागर की है। ये जो बीच में है ये हैप्पी बर्थडे वाला बैनर, ये भी सागर ने ही बनाया है। बड़ा मेहनती लड़का है, बहुत ही मेहनती। फाइनली मतलब मेरी तारीफ में, मेरे दो तारीफ बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनी के। चले सोने, खीरा में खाई जा रही, प्लीज मोर खा लेना। अब मत सो, अब तो टाइम हो गया। हेलो जी, तो विक्स के लिए सरप्राइज है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आज उनका बर्थडे केक कट होने वाला है। मैं भेज दूँ ना भाई जो फोटो। बर्थडे केक कट होने वाला है, सो विक्स को कोई आइडिया नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज देना चाह रहे हैं। और अभी विक्स गए हैं लाइब्रेरी, ड्राई फ्रूट भी लगाए दो। विक्स गए हैं लाइब्रेरी और 8 बजे के बाद आते हैं, तो तब तक हमने तैयारी कर ली है। अभी टाइम हो रहा, क्या टाइम हो रहा जुनू भैया? टाइम 7:30 से भी ऊपर हो चुका है, 7:36 हो चुके हैं समझे, तो वो आने ही वाले हैं। तो तब तक हमने केक वगैरह लगा लिया, और हमने लाया उनका फेवरेट केक बटर स्कॉच। ना बड़ा उसे बिकू बड़ा। क्या बिकू? बिकू बोला था मैं भाई हो ना, बिकू पांडा। आपको जुन भैया याद है जब उनका 25th बर्थडे था, तब भी उनके केक पे हमने पांडा लिखवाया था, याद है आपको? मैंने ही लिखवाया था, वो भी पंच वर्ष ही योजना ही। और आज डेट है 13, तो विक्स का कायदे से बर्थडे हो चुका है 11 तारीख को, पर 11 तारीख को हमने छोटू सा रसमलाई केक उनसे कट करवाया था, क्योंकि मिस्टर जुनुआ यहाँ नहीं थे, आकाश भी यहाँ नहीं था, तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम 2-3 बंदे केक कट कर। आज 2 दिन का हो चुका है हमारा छोटा बेबी, छोटा सा 6 फुट 2 इंच का बेबी। ज्यादा बड़ा नहीं है। हेल्दी बेबी 105 किलो, और इसमें स्पेशली पेट का काफी योगदान है। जिन भी सोच रहे हैं कि अब इस टेबल को भी सजा ही दिया जाए, स्टडी टेबल पे केक कट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द थग लाइफ। चलो चलो जुनू भैया लगाओ, कुछ कहना चाहेंगे आप विक्स को बर्थडे विश पे मैसेज? चल सागर तू भी, आप बताओ, आप विक्स को कुछ बर्थडे मैसेज देना चाहेंगे? यस। बोलो फिर क्या देना चाहेंगे?
कृपया एक डिसीजन लिया करें। मैं देना चाहूँ मैं कृपया जल्दी तैयार हुआ करें। उधर बैठ उधर सामने, तब तब तेरा ये मैसेज नोट किया जाएगा। ऐसे नहीं, ये चपड़ा डाबा तो मेरी बैकग्राउंड खराब। तू दिखाई नहीं दे रहा है। ला मैं डबडन दिया हाँ इधर खुला नहीं है रवा यार इसको कट। साथ में इसने अपने लिए खीरा भी रख लिया। मैं पूरी तैयारी में बैठा है आज बच्चा। सुन हाँ चलो वो था, हम बर्थडे विशेस ये कर रहे थे, मतलब मैसेज। चलो पहले कौन देगा, सागर या जुन्नू भैया? जुन्नू भैया बड़कू को पहले मौका दिया जाए। हम चाहेंगे बड़का जी कृपया करके आप एक तो डिसीजन लिया करे और खज्जल ना किया करे, इरिटेट करना छोड़ दे। हाँ। बड़ी बात। और दूसरा धमकाना छोड़ दे। जो टाइम दिया है उस टाइम के पाबंद बने, क्योंकि आपकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बस इतना ही है। अच्छा भी बोलो कुछ। अच्छा सारी बुराइयां कटी थी मेरे भी कुछ। अच्छा सोचने में अच्छा, इतना स्ट्रेस देना पड़ रहा है। अच्छा क्या है उनमें? वाह 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 जुनवे विक्स, देखना बाद में ये आपके बार, मित्रों के हाल बार दिन बाहर किंडर कैट बाहर नहीं नहीं अच्छा देख दे, ब्यूटी की बात नहीं हो रही, ब्यूटी तो बहुत है। अच्छा लेग्स ब्यूटी सेक्सी लेग्स। मैं उनकी अगर अच्छाइयों की बात की जाए तो पहली अच्छाई कि जो काम कोई नहीं कर पा रहा है वो विक्रांता जी कर सकते हैं। विक्रांता जी कर देंगे, वो करके ही आएंगे, वो चाहे जिस मर्जी हायर लेवल का हो, कोई हायर अथॉरिटी का हो या किसी भी टाइप का, वो काम कर देंगे। जो काम हमारे से नहीं होता वो कर देते हैं, जैसे ऑफिशियल काम हो, कोई ऑफिस का काम हो या कोई कुछ धमकाना ही हो, बंदा बुंदा कुटना हो। ना बंदा कुटना नहीं, अब उनमें इतना जिगरा नहीं है, बच्चों की तरह उनका सिर्फ नाजुक हृदय है। हाँ ठीक है जुनू भैया, धन्यवाद विक्स की तरफ से। मैं क्या बोलूं, जो भी है ठीक है। सार्केस्टिक परमात्मा जी आई गया और कटड़े तो पहले आप सार्केस्टिकली बोल रहे हैं ना? आप ये बोलो कि भाई मैं चाहूंगा कि वो मेरे किचन से मैं चाहूंगा कि वो मेरे किचन में आना छोड़ दे, ठीक है? जो चाहिए होगा मैं दरवाजे मेरे को ताला लाना पड़ा, बोला स्पेशली किचन में 60 रुपए मेरे से खर्चे। उसके बाद हिंदी हिंदी दरवाजा मेरा धीरे से नॉक करे, वो टूट सकता है और आर आर एक तो गाड़ी खुद पार्क करके जाए, बाद में फोन कर कर के नहीं बोले कि उसको पार करो। मार दे रहे उन्होंने। अच्छा ये भी बोलो डर। अच्छा ये फिलहाल कुछ खास है, बाकी अब केक आग कटाने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा तो लग गया थी, बाकी कुछ खास नहीं था। अच्छा तो कटिया नहीं है, 10 नहीं दी ना, नहीं 10 नहीं मैं अपलोड करनी दो। चलो अब अच्छी बातें भी बताओ, ये तो तुमने बुराई ये करके तो मैं 10 दी थी दी पानी क्या गया 10 नहीं तो से मैं रिकॉर्ड नहीं कितने थे आज मैं रिकॉर्ड ला रहा हूं क्या बताओ कैसे। हां पांच क्वालिटीज बतानी है। एक तो से बड़े ईमानदार चाहे उसने अभी खाया हो पर खिलाना तो खिलाना। ये तो नेचर की क्वालिटी है। नहीं वो अच्छाई हुई है एक इंसान की, मतलब बाकी ठीक है, कुल मिला के ठीक ही है। बस अब जुन्नू भैया बताएंगे। बहुत हुई तीन। जुन्नू भैया और विक्स कम से कम कितने सालों से जानते हो आप एक दूसरे को? मैं जो दाले साल भी नहीं हुई, साल भी अगले महीने होनी है। अच्छा मैं जानता हूं। तीन साल 2015 से। हाँ तो 5-7 साल हो गए, ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। 7 साल तो मैं सर्च करी गई थी, जैसा हमारे सागर जी ने कहा कि वो ईमानदार है, नो डाउट केयरिंग है, नो डाउट नो डाउट हैंडसम है, नो डाउट उनके हेयर आजकल तो माशाल्लाह
नो डाउट। तीसरा, चौथा हो गया शायद, चौथा। अब उन्होंने बाइक पे पीछे मुड़ के देखना भी छोड़ दिया। नो डाउट। जब से उनको बार बार बोला गया तब से उन्होंने बाइक भी छोड़ दिया। अच्छा जी, और अब गाड़ी से भी मुंडी निकालने लग गए। मुंडी बहुत चेंज हो गया वो, नो डाउट। और अब कोशिश कर रहे हो सुबह जल्दी, जो बोलते हैं वो कमिटमेंट टाइम पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनको थोड़ी देर शाम के क्लास ली जाए ना, सुबह जाना है तब जाके। एक आधी बार बोल के नहीं मतलब ही नहीं बढ़ता। एज कम्पेयर टू अदर प्रीवियस ईयर्स, चलो वो तो पहल का तो एंड ऑल क्रेडिट गोज टू पहले के साथ। बस अपने मियां भी अपने मुंह मियां मिट्ठू के आ से आ रहा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अब जैसे देखो पहले क्या था, अपने मियां मुंह मिट्ठू के आ से आ रहा है। पहले क्या था, मान लो उन्होंने बोला 8 बजे, तो दैट मींस 10 मतलब 12 बजे। 10 नहीं 10 बड़ा जल्दी हो गया। 10 तो बहुत जल्दी है, इतना जल्दी नहीं। अब लेटेस्ट जो आजकल करंट सिचुएशन है, अगर उन्होंने 8 बोला तो 8:30 बजे तक तो हो ही जाएंगे तैयार। 9:15 इतना तो आगे हो, मतलब इतना गैप कम कर दो। चलो मतलब 35 साल के बाद हो जाएंगे ठीक। 35 जब को बच्चे बुच्चे होने उनके, ना ना उतने तो कूट पीट के और सूर्यदेव के खुद उनको ले आ देना लाइन पे। चलो वो नहीं दिक्कत है, वो तो ठीक है, भगवान का जी है त्रिगुण। अच्छा। नारी शक्ति सब पे भारी। 8 बजे बंदा अपना लंच बॉक्स लेके खड़ा हो जाता है भाई, चलो। लंच बॉक्स होती जाके पहले टेबल फिर किताबा के कौन बुरा था, वो कौन बुरा था, आकाश सर दोस्त बोले हिंदी जो बोले तेरा भाई मिल ले बोले। देख मैं बोला हिंदी चिकला, अरे तो ये भी तो वीडियो छपाना है ना। आकाश का मित्र, आकाश सुनना ध्यान से सुनना है बात। आकाश के मित्र ने कहा आकाश से कि मुझे आपके भाई साहब बड़े भ्राता जी जो कि विक्रांता जी है, आपके पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, और जब बोला वो लाइब्रेरी आते हैं तो पहले टिफिन निकालते हैं, वो रखते हैं टेबल पे, फिर बुक्स निकालते हैं। और टिफिन बोला इतना बड़ा होता है ऊपर देख पा रहा हूँ बोला। रखो अपने सिर पे, पूरी लगाओ, दो मासूम चेहरे इधर बैठ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, फोटो कौन खींचेगा, फोटो कौन खींचेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विक्स, तुम्हें भी गा लूंगा। To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday little one. Thank you. कैसे लगा विक्को आपको सरप्राइज? बहुत जोर से लगा बोला। बहुत जोर से लगा, बहुत लग रहे फुक्का मारने। Favorite cake है baby Kuba. देखो दोनों खिलाओ इनको, भाई कमी नहीं पड़नी चाहिए। करो कर, देखो इधर देखो, देखो आप भी नजदीक जाओ तो जुनू भैया पोजीशन चेंज करो, एक बड़ा ही चिपकी कर। देखो इधर जुनू भैया की मुंह में दर्द होगी, तो आइए और खाली कर दे मुंह।
बेचारे जिन्होंने भी इतनी पेशेंस रखी। ये ठीक है भाई, विक्स आपको कब लगा पता कि ये अंदर से चला है? दरवाजे पे पहुंचते ही कि जुन्नू भैया जैसे भागे तो इधर से दिख रहा था। इन्होंने भाई फिर इससे खिड़की से देखा, लाइक इन्होंने देखो तेरी विक्स देखो ऐसे। धन्यवाद कमेंट होगा अपने साथियों का, अपनी धर्म पत्नी का, हां जिन्होंने इतना अच्छा प्लान किया, हां मेरा बर्थडे बनाया, हां विक किया, हां तो दिल की गहराइयों से मैं जाओ। कितनी बार बना बैठे बर्थडे? दो बार। आपको ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अभी केक भी काटेंगे? मेरे पास तो था भाई केक काटेंगे, पर आज काटेंगे नहीं था मेरे को पता। ऐसे कैसे था आपको पता कि केक काटेंगे? मेरे को ऐसा है कुछ लग रहा था कि आते आते बोला जब जुन्नू आएगा तब काटेंगे अभी केक। तो फिर जुन्नू भी आएगा तो आप बोल रहे थे वेडनेसडे को आएंगे? तो जुन्नू का मेरे को तब लग रहा था कि वेडनेसडे को आएंगे क्योंकि कल छुट्टी है और कल लाइब्रेरी बंद है, तो जुनू मेरे उस हिसाब से सोचा कि जुनू आएगा परसों, पर जुनू जी हमारे पहुंच गए आज और आज सरप्राइज प्लान कर दिया ना। लाइट बंद थी, हमारी मॉम कैंडल दिख रही थी, तब मेरे को पता लगा कि आज और बाहर से फूंक मारने लग गए। हाँ उससे पहले मैंने बुझा दी थी।